नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला। रविवार सुबह प्रभात क्रमांक एक जरीपटका में राजनीति गर्मा गई जब कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा वीरेंद्र कुकरेजा भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक के कार्यालय में तोड़फोड़ कर कुकरेजा के साथ हाथापाई की गई। मामला जरीपटका थाने पहुंचा और वहां भी बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आमने सामने आ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विरोध के चलते कुछ समय के लिए जरीपटका दुकानदार संघ ने अपनी दुकानें बंद कर कुकरेजा के साथ हुई हाथापाई और बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ का विरोध करते हुए रास्ते पर उतर आए। कुछ समय बाद आधी दोपहर मामला थोड़ा शांत हुआ तो कुकरेजा ने जरीपटका मेन बाजार दुकान वालों से आह्वान किया कि वो अपनी दुकानें खोले और मीडिया को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मेरे कार्यालय में सुबह 10 बजे कांग्रेस के कुछ गुंडे और उनके साथ कुछ महिलाएं इस तरीके से आई। आने को तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र के अंदर भी काम नहीं हुआ है, उसकी शिकायत करने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे वहाँ पर जो कार्यालय में जो हमारे कार्यकर्ता बैठे थे उनके साथ अभद्र तरीके से बातचीत कर रहे थे, मुझे कार्यालय से फोन आया कि कार्यालय में इस तरीके से कांग्रेस के कुछ गुंडे आए हैं और झगड़ा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग एक भूमि पूजन कार्यक्रम में थे, वो भूमि पूजन कार्यक्रम थे जो हम 40-50 कार्यकर्ता थे, सबसे साथ एक साथ मेरे कार्यालय की तरफ से आगे बढ़े। जैसे उनको ध्यान में आया कि रोड के ऊपर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिख रहे हैं, उनको ध्यान में आ गया कि आज जो हम करने आए थे शायद हमारे मंसूबे फेल हो जाएंगे। उन्होंने ताबड़तोब 1-1.5-2 मिनट के गैप के अंदर में मेरे कार्यालय के अंदर का सारा फर्नीचर तोड़फोड़ करने का काम किया और तुरंत भागने की कोशिश की। हमने जब उनको रोकने का प्रयास किया, पूछने का प्रयास किया, उन्होंने मुझे मारा, मेरे से हाथापाई किया। हमारी एक अनुसूचित जाति मोर्चे की हमारी अध्यक्ष लीनाताई सोनकुवर, उनको उन्होंने धक्का मारने का काम किया, उनका दुपट्टा खींचा, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और ये सारी की सारी प्रक्रिया करके उन्होंने भागने का काम किया। जो महिलाएं वहाँ थी उन महिलाओं को मैंने निवेदन किया कि आप हमारी बहन हो, हमारे को बताओ क्या अड़चन हो गई, आपको क्या शिकायत है। तो उन्होंने बताया कि बस हमारे बस्ती के अंदर में काम नहीं हुआ है, यही हमारी शिकायत है। मैंने पूछा पहले तो आप अपना नाम बताओ, तो जैसे उनको ध्यान में आया कि वीडियो बन रहा है, उन्होंने ताबड़तोब अपना चेहरा छुपाने का काम किया और स्पष्ट शब्दों में कहा हम नाम नहीं बता सकते, हमें बताने के लिए मना किया। फिर मैंने उनको पूछा बस्ती का नाम बताइए, उनको ध्यान में आ गया कि चारा का सारा चित्र प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में अभद्र व्यवहार हुआ, हमारे से मारापीटी हुई, झगड़ा हुआ, हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये कांग्रेस के गुंडों को शोभा नहीं देता। हम इस बात की शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन के अंदर में PI को ऑलरेडी हमने इसके पूर्व भी, क्योंकि ये घटना एक बार पहले भी हो चुकी है, उसकी शिकायत हमने तब भी लिखित रूप में की थी। तब तो इस कांग्रेस की सरकार ने पुलिस के ऊपर में प्रेशर बनाकर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज जब PI को हमने पूछा भाई क्यों कार्रवाई नहीं किया है तो PI इधर उधर देखने लगा। थोड़ी ही देर में जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी, उनके क्षेत्र के नगर सेवक के ऊपर में इस तरीके का हमले की चर्चा पूरे शहर में जाने लगी, तो पुलिस को ध्यान में आया, ताबड़तोब पूरा का पूरा पुलिस बंदोबस्त वहाँ लगना शुरू हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर पुलिस ने वहाँ से भगाने का काम किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को मालूम है जिसने 5 साल जमीन पर रहकर काम किया है वो कार्यकर्ता वहाँ अड़िग थे। वहाँ सभी पुलिस के सीनियर लोग वहाँ DCP रीजन ऑफिस सारे के सारे वरिष्ठ पुलिस के पदाधिकारी वहाँ आए। जब उनको ध्यान में आया और शहर भर में चर्चा हो गई तो सामने वालों ने हमारे ऊपर विरोध में FIR होनी चाहिए ऐसी तकरार करना शुरू किया और मुझे आश्चर्य लगा। जहाँ तक के सीनियर लीडरशिप का सवाल है, सीनियर लीडरशिप हमेशा यही चाहती है भाई जो भी हो जमीन पर एक बार चलेगा, लेकिन सीनियर लीडरशिप बचना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के सबसे पहले वहां पर एक एक करके नेता आना जमा हो गए। बड़ी आश्चर्य की बात तब लगी जब DCP जोन पाई को पालक मंत्री साहब का फोन आया, फोन टेबल पर पड़ा था, हमने खुद नाम पढ़ा और बड़ा देख कर आश्चर्य लगा। जो हमारे DCP जोन पाई है, यस सर मी पातो, मी दोनों ही पक्षांवर कार्रवाई करतो, इस तरीके की भाषा DCP साहब ने बोली, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और उसके कुछ समय के बाद में माननीय पालक मंत्री जी का बेटा
कुणाल राउत कुछ कांग्रेस के गुंडों के साथ, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वहां जमा हुआ, हमारे खिलाफ नारेबाजी की और आश्चर्य लगा पुलिस पूरा का पूरा प्रशासन 100% पंगु उसके आगे पीछे घूमने वाला ऐसा देखने को हमारे को मिला। कार्रवाई 100% लीगल थी। हमारे पास में जितनी बातें मैंने बताई उन सभी बातों का 100% फुटेज होने के कारण पुलिस के ऊपर में हमारा दबाव था कि आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं जेरीपट का दुकानदार संघ जिसके 450 मेंबर्स है उन सबका धन्यवाद करूंगा। उन 450 दुकानदारों ने बगैर मेरे से चर्चा करके खबर में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी जलाल।